थर्ड थॉट, और थर्ड थॉट से हम देखते हैं वर्णनकर्ता का तीसरा विचार क्या था। ही डिसाइडेड है 5 pounds ओनली, और वर्णनकर्ता ने केवल 5 pounds देने का निश्चय किया डीलर को। When he was dressing next morning, और अगली प्रातःकाल को जब वह अपने कपड़े पहन रहा था, he thought about the dealer again, उसने एक बार दोबारा व्यापारी के बारे में सोचा। He had earned such a big profit for the first time in his life, क्योंकि नरेटर ने अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा प्रॉफिट प्राप्त किया था। इफ ही गिव्स ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू द डीलर, और यदि वह इस प्रॉफिट का हिस्सा डीलर को दे देता है, इट विल बी द डायरेक्ट इंसल्ट ऑफ सच गॉडेज ऑफ बिजनेस, तो यह बिजनेस की जो देवी है, क्या उसकी प्रत्यक्ष इंसल्ट नहीं होगी? क्या इस तरीके से प्रॉफिट का हिस्सा देकर है जो बिजनेस की देवी है, लक्ष्मी है, क्या उसको अपमानित करना नहीं होगा? वो अपमानित होगी। और वो कहता है कि देयर इज नो फ्यूरी लाइक ए वुमन स्कॉर्न, वुमन स्कॉर्न एक महिला की घृणा से बढ़कर कोई भी और क्रोध नहीं होता है। और यदि और कोई महिला है वो क्रोध करती है तो उसका क्या परिणाम होता है? इट वुड बी प्रोबेबली बी द एंड ऑफ हिम, हो सकता है कि उसका अंत हो जाए। और आजकल ही हम एक दूसरे के अच्छे मित्र बने हैं, और यदि जो बिजनेस की देवी है वो यदि और मुझसे अपना हाथ हटा लेती है तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में इम्पल्स इज द नेगेशन ऑफ द मैग्नेटिज्म। इम्पल्स का मतलब फीलिंग्स, भावनाएं होती हैं। नेगेशन का मतलब रुकावट, ऑफ द मैग्नेटिज्म का मतलब है बिजनेस में, क्योंकि भावनाएं बिजनेस में क्या होती हैं, रुकावट होती है। और यदि कोई व्यक्ति है और फीलिंग्स को बिजनेस में क्या देता है, इम्पोर्टेंस देता है, तो वो व्यक्ति है कभी भी अच्छा व्यापारी नहीं बन सकता। नो, नहीं, वह कहता है, सोचता है 5 pounds ऑफ अपसर्ड 5 pounds है और डीलर को देना कैसा होगा, असंगत होगा। ए डोक्योर ऑफ 1 pound और 1 pound है और विल मीट द केस, और 1 pound है इस संदर्भ में कैसा होगा, पर्याप्त होगा। ए पाउंड विल बी एम्पल, 1 pound पर्याप्त होगा। ये एकम्पनीड बाई दी ब्रीफ नोट, और वह छोटे नोट के साथ है एक छोटा सा पत्र लिखकर और 1 pound है रख देता है यहाँ पर वर्णन करता। क्वेश्चन देखते हैं हम, मेंशन द रीजन गिवन बाई दी नरेटर फॉर चेंजिंग हिज रेजोल्यूशन थर्ड टाइम, कि तीसरी बार अपना जो विचार है चेंज करने के लिए, और जो वर्णन करता है उसने क्या कारण दिया, क्या कारण बताया। ही हैड अर्न्ड सच ए बिग प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में पहली बार है इतना बड़ा प्रॉफिट प्राप्त किया था। इफ ही गिव्स ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू द डीलर, और यदि वह इस प्रॉफिट का हिस्सा है डीलर को दे देता है, इट विल बी द डायरेक्ट इंसल्ट ऑफ सच गॉडेज ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस की जो देवी है वो लक्ष्मी है, उसका प्रत्यक्ष रूप से अपमान करना होगा। देयर इज नो फ्यूरी लाइक ए वुमन स्कॉर्न, एक महिला की घृणा से बढ़कर कोई क्रोध नहीं होता, और यदि कोई महिला क्रोध करती है तो उसके श्राप से कोई बच नहीं सकता। इट वुड प्रोबेबली द एंड ऑफ हिम, और यदि और बिजनेस की देवी लक्ष्मी उस पर क्रोध करती है तो उसका अंत हो जाएगा। इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में, और इम्पल्स इज जो फीलिंग्स होती हैं, नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म में, और बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में रुकावट होती हैं। और यदि कोई व्यक्ति है और इस तरीके की भावनाओं को प्राथमिकता देता है तो वह अच्छा
व्यापारी नहीं बन सकता।